झारखंड और देश विदेश की खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है धनबाद से। अभिभावकों ने टीकाकरण के बाद ही स्कूल खोलने की मांगी अनुमति। झारखंड सरकार ने सोमवार से स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी को लेकर स्कूल को निर्देश भी जारी कर दिया है। साफ सफाई, सैनिटाइजर और तमाम तरह के सुरक्षा के उपाय स्कूलों में किए जा रहे हैं। हालांकि अभी दसवीं और बारहवीं तक के बच्चों ही स्कूल आएंगे, पर इन सब के बीच स्कूल खोलने की अनुमति के आदेश ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। खबर है मौसम से। झारखंड के जाने किन जिलों में है कनकनी का कहर। झारखंड में पिछले दिन तीन दिनों से लगातार कनकनी बढ़ती रही है। वहीं शुक्रवार की सुबह अहला कोहरा देखने को मिला, मगर दिन चढ़ते ही मौसम साफ हो गया। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को रांची समेत सभी जिलों में आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी। राज्य में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास पहुंच जाने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक उच्चतम तापमान जमशेदपुर का 28.6 डिग्री और सबसे कम न्यूनतम तापमान डाल्टनगंज का 13.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं रांची का अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। शैक्षणिक सुधारों को लेकर राज्यपाल से मिला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सुधारों को लेकर ज्ञापन सौंपा। परिषद ने राज्यपाल से नए मेडिकल कॉलेजों के वर्तमान सत्र में नामांकन की अनुमति दिलाने की और से पहल करने की मांग की। इसमें शिक्षकों एवं संसाधनों की कमियों को दूर करने के लिए सरकार को निर्देशित करने की मांग की, ताकि नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। सांसद धीरज साहू को मिली बड़ी राहत, निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। यह खबर है लोहरदगा से। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी रहे प्रदीप संथालिया ने राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के निर्वाचन की चुनौती दी थी। श्री संथालिया ने पहले झारखंड हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वेज रिवीजन पर नहीं बनी बात, फिर मिली नई तारीख। बीएसएल सेल के 56,000 कर्मचारी हुए निराश। वेज रिवीजन को लेकर सेल प्रबंधन व एनजेसीएस की वर्चुअल मीटिंग 3 घंटे तक चली, इसके बावजूद बैठक में वेज रिवीजन पर बात नहीं बन सकी। बैठक की ओर से टकटकी लगाए बैठे बीएसएल सेल के 56,000 कर्मियों को निराश हाथ लगे। अब 23 दिसंबर को हैदराबाद में फिजिकल मीटिंग होगी, जिसमें सभी मान्यता प्राप्त यूनियन के एक एक प्रतिनिधि शामिल होंगे। वेज रिवीजन जनवरी 2017 से लंबित है। खबर है चाईबासा से। मुठभेड़ में पीएलएफआई का उग्रवादी ढेर, एक गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अति उग्रवाद प्रभावित गुदड़ी थाना अंतर्गत बांधू जंगल में पुलिस और पीएलएफआई दस्ते के साथ मुठभेड़ में एक उग्रवादी के मारे जाने की खबर है, जबकि एक को हिरासत में लिया गया है। मुठभेड़ के क्रम में और उग्रवादियों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। देर शाम तक मारे गए उग्रवादी की पहचान नहीं की जा सकी थी। मुठभेड़ गुरुवार दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक चली। खबर है ट्रेन अपडेट से। 23 से चलेगी रांची हावड़ा वाया टाटा नगर अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन। हावड़ा रांची हावड़ा के बीच सप्ताह में 3 दिन अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलेगी। ट्रेन संख्या 02895 हावड़ा रांची 23 दिसंबर से बुधवार, गुरुवार और शनिवार को हावड़ा से अगले आदेश तक चलेगी। ट्रेन हावड़ा से दोपहर 12:50 में रवाना होगी। टाटा नगर 4:40 और रांची 9:10 में पहुंचेगी। हावड़ा रांची के बीच सप्ताह में 3 दिन अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने से जुड़ी हर न्यूज आप हमारे साथ बने रहें। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। ममता बनर्जी को अमित शाह की दो टूक, कानून का पालन करो नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहो।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उन्हें एक ओर बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के कारण सत्ता जाने का डर सता रहा है, तो दूसरी ओर इस उनकी पार्टी के कार्यकर्ता की अनैतिक हरकतें और गुंडागर्दी से उन पर संवैधानिक दबाव भी बढ़ने लगा है। सोनिया गांधी की इमरजेंसी मीटिंग, किस लिए बुलाई बैठक, जानिए 5 वजह। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज यानी 19 दिसंबर को आपात बैठक बुलाई है। खास बात यह है कि इस बैठक में नाराज वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया गया है, जिन्होंने पत्र लिख पार्टी में संगठन का सुझाव बरकरार बदलाव करने की मांग की थी। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बीते काफी समय से नाराज नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे पार्टी में फूट की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन अब पार्टी ने अंतर कलह को खत्म करने के लिए वकायत शुरू कर दी है। कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के तुरंत बाद बिगड़ी 2 लोगों की तबीयत। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जारी है, जहां कुछ वैक्सीन अपना असर दिखा रही है, वहीं कुछ वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी दिखाना शुरू हो गया है। अब इस कड़ी में फाइजर वैक्सीन का भी नाम जुड़ गया है। आक्रामक दिखे मोदी, किसान आंदोलन पर खोला विपक्ष का कच्चा चिट्ठा। दिल्ली का घेरा डालकर 23 दिनों से बैठे किसानों के आंदोलन से उठने वाले सवालों का जवाब शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद के दौरान दिया। विपक्ष पर आक्रामक दिखे मोदी ने कहा कि किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक इसलिए चलाई जा रही है कि पिछले 20-25 सालों से किसानों के हित में जिन कानूनों की मांग की जा रही थी वो मोदी सरकार ने बनाकर दे दिया है। यह बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है, इसलिए किसानों को भड़काया जा रहा है। करण जौहर ने दी डिटेल्स, अब मुश्किल में ये सितारे, जाने क्या होगा एनसीबी का एक्शन। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एसबी द्वारा भेजे गए समन का जवाब दिया है। बता दें कि एनसीबी ने गुरुवार को ड्रग्स केस में करण जौहर को समन भेजा था। इस समन को करण की एक पार्टी की डिटेल्स जानने के मकसद से भेजा गया था। एनसीबी ने यह स्पष्ट भी कर दिया है कि करण किसी मामले में संदिग्ध नहीं है, बस उन्हें ड्रग्स केस से जुड़ी कुछ जानकारियां के लिए समन भेजा गया है। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, अगले 2 सालों से देश भर से खत्म कर दिए जाएंगे टोल प्लाजा, जानिए फिर कैसे होगी वसूली। अब देश में जल्द ही नेशनल हाईवे पर बिना रोक टोक के वाहन दौड़ सकेंगे। देश के सभी नेशनल हाईवे से टोल प्लाजाओं को बंद कर दिया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी। आपके मोबाइल में कैसे आएगा वोटर कार्ड, क्या है चुनाव आयोग का प्लान, जानिए। इसे आप कोविड-19 की वजह से आने वाला बदलाव भी मान सकते हैं या फिर डिजिटलीकरण की दिशा में एक और कदम। अब चुनाव आयोग ने आपके मोबाइल फोन पर आपका वोटर कार्ड पहुंचाने की तैयारी में है। जी हां, वोटर के फोटो आईडी कार्ड को इपिक नाम दिया गया है। अब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके पास होगा। ठंड का टिकरी व ढांसा बॉर्डर पर दिखने लगा असर, कम हुई किसानों की संख्या। कड़ाके की ठंड का असर अब टिकरी बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। दिन हो या शाम, पहले मंच के सामने के हिस्से से किसानों का जमघट हुआ करता था। किसान खुले में नेताओं की बात सुनते थे, लेकिन अब ठंड के असर के कारण खुले क्षेत्र में पहले के मुकाबले कम किसान नजर आ रहे हैं। अब दिन में भी ट्रैक्टर की ट्रालियां में किसान रजाई ओढ़े नजर आते हैं। वहीं रोहतक रोड के किनारे जिन कमरों में किसानों ने डेरा डाला हुआ है, वहां भी किसान रजाई ओढ़े दिन के समय भी नजर आ जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का कुशल नेतृत्व, उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ा पिछड़े राज्य का कलंक। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बनने की ओर से उत्तर प्रदेश ने पिछड़े राज्य का कलंक पीछे छोड़ दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के बीच में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और वैश्विक महामारी से प्रदेश के लोगों को बचाने के साथ ही विकास के हर कार्य को भी प्रगति प्रदान की। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने किया चौंकाने वाला दावा, इसे सुन ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ जाएगी। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से भाजपा विधायक अर्जुन सिंह ने दावा किया है कि 60-65 विधायक तृणमूल कांग्रेस छोड़ेंगे। उन्हें दावा किया गया कि नए साल की शुरुआत में 15 जनवरी तक 60-65 विधायक टीएमसी छोड़ देंगे।
राम मंदिर निर्माण में चंपत राय का अभियान 12 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए 12 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का अभियान चलाया जाएगा, लेकिन इस दौरान किसी से भी दान नहीं मांगा जाएगा। विदेशी मुद्रा से दान लेने के लिए कानून का हम पालन करेंगे। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 35 लाख किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को बाहर निकाला और उसकी सिफारिशों को लागू किए। किसानों को लागत का 1.5 गुना MSP दिया गया है। प्रोग्रेसिव फार्मर में महज 200 गज क्षेत्र में खेती कर हो रहा मालामाल, जॉब छोड़कर उगा रहे हैं सुपर मशरूम। हरियाणा के गुरुग्राम में बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छी खासी नौकरी करने वाले एक युवा अंशुमान कालरा ने खास किस्म के मशरूम की खेती करने के लिए जॉब छोड़ दी। दरअसल उनकी पत्नी बीमार पड़ी तो उनकी इस तरह की खेती करने का आइडिया आया। अब वह महज 200 गज क्षेत्र में इस खास सुपर मशरूम की खेती कर रहे हैं और मोटी कमाई प्राप्त कर रहे हैं। इसे बेचने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी भी बना ली है। देसी गाय पालने से होगा मोटा मुनाफा, अब यूनिवर्सिटी में बीटेक एमबीए के छात्र सीखेंगे तरीका। देसी गाय पालने से एक नहीं बल्कि कई तरह के फायदे हैं। देसी गाय पालकर आप बिजनेस करते हुए मोटा मुनाफा भी कमा सकते हैं। इतने ही नहीं, आपके इस बिजनेस को करने से पर्यावरण और समाज भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हेल्थ के नज़रिए से यह बिजनेस अच्छा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब देश भर की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कामधेनु पीठ स्थापित की जा सकती है। यहाँ तक कि बीटेक और एमबीए के छात्रों भी देसी गाय के बारे में पढ़ाया जाएगा। खबर खेल जगत से, फटा जूता पहनकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग कर रहे मोहम्मद शमी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडियन टीम ने पहली पारी में 244 रन बनाए और पिंक बॉल से हो रहे इस टेस्ट मैच में भारत ने भी अच्छी शुरुआत कर ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स पवेलियन भेज दिया है। हालांकि जब मोहम्मद शमी मैच की गेंदबाजी करने आए तो फैंस थोड़ा हैरान नजर आए थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।